मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर का आपका स्वागत है। सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल और बुरा इस्तेमाल दोनों पहलू होते हैं, मगर बुरा इस्तेमाल अगर किसी की आईडी हैक कर ली जाए या उसी तरह से फेक आईडी क्रिएट करके यानी फर्जी पहचान उस पर बना करके फेसबुक पर आप किसी को भी परेशान कर सकते हैं, दो समाज में झगड़ा लड़ा सकते हैं, धार्मिक विद्वेष फैला सकते हैं और उसमें आप किसी को भी बलि का बकरा बना सकते हैं। दो दिन पहले ही आपने एक खबर देखी होगी, मुमरा कौसा में मुंबई से आई हुई भाजपा की महिला पदाधिकारी रीदा रशीद जी को फेसबुक पर गालियां दी गई, उसके बाद उन्होंने उसकी शिकायत मुमरा पुलिस स्टेशन में। रीदा रशीद को ये गालियां या जो भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये फेसबुक की आईडी थी जुबैर साखानी नाम से। क्या सच्चाई है इसकी, कौन है जुबैर साखानी, पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि यह सिलसिला पिछले अप्रैल महीने से चल रहा है। रीदा रशीद की शिकायत पुलिस तक पहुंचने के बाद इस संबंध में हमने जांच पड़ताल की, पूछताछ की, तमाम लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपको बता दें शहर के एक समाज सेवक हैं, उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष और एनसीपी से भी जुड़े हुए करीम खान, इन्हें भी गाली देने का काम किया जुबैर साखानी की ही आईडी से। शाहरुख सैयद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट विंग के लीडर हैं, उन्हें भी गाली दी गई। इतना ही नहीं, ठाणे जिले के पालक मंत्री, महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इन्हें भी, इनकी एक ब्लड डोनेशन का कैंप की एक पोस्ट थी उनकी अपनी आईडी से, उस आईडी पर जाकर के जुबैर साखानी नाम से फेक आईडी बनाई हुई ये जो भी व्यक्ति थी, इसने जाकर के एकनाथ शिंदे जी को उसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके गाली गलौज। उससे पहले मुलुंड पुलिस स्टेशन में एपीआई नीतू ताइडे, ये जो नीतू ताइडे मैडम है, इन्हें भी उनके वॉल पर जाकर के कमेंट करना, उस कमेंट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और उनके साथ गाली गलौज करना, बिल्कुल मतलब इस तरीके की भाषा है, इस तरीके से गाली गलौज है कि जिसका यहां हम एक शब्द भी जिक्र नहीं कर सकते हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित हुआ है तो वो है ओरिजिनल जुबैर साखानी और उसका पूरा परिवार। पूरे परिवार को पिछले अप्रैल महीने से इन पीड़ाओं से, इन प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि जुबैर से हमारी जो बात हुई उससे हमें यह पता चला कि अप्रैल महीने से फेसबुक यूजर जिसे अपनी आईडी छुपानी होती है, जिसे अपनी पहचान छुपानी होती है, वो फेसबुक पर सिर्फ फेसबुक यूजर करके इस्तेमाल करता है और इस तरीके से लोगों को परेशान करता है। तो जुबैर को खुद फेसबुक यूजर के मैसेंजर्स आने शुरू हुए, मैसेंजर पर मैसेजेस में गाली गलौज, उसके पिताजी के बारे में उल्टा सीधा कहना, उसके बारे में उल्टा सीधा कहना, माँ बहन की गालियां देना, ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। जुबैर ने एक शिकायत पुलिस में की, एनसी हुई, उसके बाद मामला बढ़ता चला गया तो पुलिस एप्लीकेशन, उन्होंने कंप्लेंट एप्लीकेशन दिया कमिश्नर ऑफ पुलिस थाने, डीसीपी जोन 1 मुमरा पुलिस स्टेशन टू द सीनियर पीआई, ऐसा तमाम इन्होंने पत्र व्यवहार किया। उसके बावजूद यह सिलसिला रुक नहीं रहा था। यह सिलसिला रोकने की जो पहल हुई, जिसे गलती भी कहा जा सकता है, क्योंकि मुमरा पुलिस स्टेशन की पहल पर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पहल पर साइबर सेल ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। ये जुबैर साखानी की फेक आईडी बना करके इस तरह से धार्मिक विद्वेष फैलाना और धार्मिक स्तर पर जाकर के गाली गलौज करना, व्यक्तिगत तौर पर किसी बड़े नेता को, छोटे नेता को, किसी समाज सेवी को टारगेट करना, ये जो काम किया जा रहा था इसकी तह तक जाने का काम शुरू किया गया था। मगर भाजपा की महिला पदाधिकारी रीदा रशीद की शिकायत में उन्होंने जब एक इंटरव्यू दिया, बात की, तो उसमें उन्होंने जुबैर साखानी का नाम खुल करके ले लिया। नुकसान यह हो गया कि ओरिजिनल जुबैर साखानी का नाम इस्तेमाल करके जो फेक जुबैर साखानी पहले फेसबुक यूजर से उन्हें गालियां दे रहा था, खुद जुबैर साखानी को, उसके बाद आफरीन खान के नाम से उसने जुबैर साखानी के पिता को गालियां दी, फिर आयमन एंजल करके आईडी उसने क्रिएट की, उससे भी उसने गालियां दी,
फिर पिता को और जुबेर को एक तरफ गाली देते देते उसने अपना मोर्चा खोल दिया सीधा राजनीतिज्ञों की तरफ और समाजसेवियों की तरफ। तो क्या पूरा यह मामला है, जुबेर से हम बात करते हैं। जुबेर क्या बताओगे इस बारे में, क्या पूरी जानकारी है, किस तरीके से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ और अब कहां तक पहुंचा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जुबेर साखानी। ये जो है तो मेरे को 24 अप्रैल से ये मैसेज आना चालू हुआ था। पहले मैसेज रिक्वेस्ट में, वो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है, मैसेज रिक्वेस्ट में मुझे डायरेक्ट गालियाँ आना शुरू हुई। तो मैंने स्टार्ट में उतना ध्यान नहीं दिया, फिर कंटिन्यू मैसेजेस आ ही रहे थे मुझे, खाली माँ और बहन के ऊपर नंगी नंगी गालियाँ थी। फिर मैंने उसको थोड़ा इग्नोर किया। बाद में जब और लॉकडाउन भी था तो मैं पुलिस स्टेशन जा नहीं पाया क्योंकि घर से उतना निकल नहीं पा रहे थे। जब जून में थोड़ा लॉकडाउन थोड़ा खुला जब लॉकडाउन, तो मैंने जाके मुमरा पुलिस स्टेशन में उसका एनसी कर दिया था 11 जून को मैंने एनसी किया। उसके बाद में भी वो सिलसिला कंटिन्यू था, कम से कम 150-200 मैसेज एक एक दिन में वो करता था। तो उतना पढ़ने का किसी को टाइम नहीं था और वो मेरी माँ बहन के ऊपर ही लिखता था, तो पढ़ने अच्छा भी नहीं लगता था मेरे को। उसके बाद जो है तो कंटिन्यू कर रहा था। सेप्टेम्बर से मेरे को ये प्रॉब्लम चालू हुआ कि ये बाहर से मुझे फ़ोन आना चालू हो गए। मतलब वो जो था तो उसने अपने आईडी पे, जो पहले मेरे को गाली देता था, उसने आईडी पे नाम चेंज करके जुबेर साखानी नाम डाला, मेरा ही नाम डाल के उसने लोगों को गाली देना चालू किया। और उसने एपीआई नीतू ताइडे मैडम है मुलुंड पुलिस स्टेशन के, उनसे बहुत अश्लील बातें, उसने अश्लील कमेंट उनको किया, एकदम गंदी गंदी बातें उनको कमेंट किया है। और राम और धार्मिक लेवल पे बहुत गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने लिखा है राम और सीता मैया के बारे में और गणपति के बारे में और देवी देवताओं के बारे में, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दिया है लोगों को, धार्मिक एक ठेस पहुँचाया है लोगों के दिलों को। और जो है तो उसके बाद में पालक मंत्री साहब एकनाथ शिंदे साहब के एक पोस्ट पे वो डायरेक्ट मेरे नाम से एकनाथ शिंदे साहब को गंदी गंदी गालियाँ दिया उन्होंने, उसमें भी उसने गणपति और देवी देवताओं को, पुलिस को, पुलिस की वर्दी को गंदी गंदी गालियाँ देते हुए उसने मेरा नाम मेंशन किया और मेरा एड्रेस मेंशन करता था हर जगह पे कि मैं गुलाब पार्क में रहता हूँ, जो करने का आके इधर कर ले। अच्छा। और ये ले मेरा ये एक नंबर, ये नंबर नहीं तो ये ले दूसरा नंबर, मेरे दोनों नंबर वो शेयर कर रहा था। और उसके बाद उसने करीम खान को, हमारे मुमरा के करीम खान है, उनको गाली दिया। मुझे ऐसे बहुत से लोगों के मुझे फ़ोन आए, कुछ लोगों के मैं आपको नाम बता रहा हूँ, तो ऐसे बहुत लोगों के मुझे फ़ोन आए और इससे मैं बहुत हरेस्ट, बहुत परेशान हो गया। तो मैंने जो है तो मेरी कार्रवाई में चालू थी, जैसा मैं सीपी साहब को मैंने लेटर दिया था, एसीपी साहब, डीसीपी साहब को, और अपना साइबर क्राइम में भी मैंने गया था, तो उधर अपना मतलब हैंड टू हैंड वो लोग कंप्लेंट नहीं ले रहे थे, तो वो लोग बोले कि ऑनलाइन करना पड़ेगा। मैंने ऑनलाइन भी वो कंप्लेंट कर दिया था, मैं अपने तरफ से सब करके रखा। अच्छा, तो ये एफआईआर तुम्हारा कब दर्ज हुआ? एफआईआर मेरा अभी ये 8 तारीख को दर्ज हुआ, 8 अक्टूबर। ये तुमने इसमें एकनाथ शिंदे के पोस्ट पर उन्होंने उसने जो गालियां दी उनको, तो स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल करके, स्क्रीनशॉट प्रिंट्स निकाल करके दिए सब सब प्रिंट, क्या क्या है जरा दिखाइए। नीतू ताइडे मैडम का पहले दिखाइए, नीतू ताइडे मैडम का प्रिंट उन्होंने मुझे दिया नहीं, वो बोले डायरेक्ट में जो पुलिस के आदमी। अच्छा, नीतू ताइडे मैडम का प्रिंट नहीं है आपके नहीं पास? ठीक है, तो एकनाथ शिंदे साहब का है ये, एकनाथ शिंदे साहब का ये पोस्ट था। हाँ। ये पोस्ट पर उन्होंने डायरेक्ट घुसकर ये जो तो मेरा नाम है इधर पे, ये जुबेर साखानी, ये जुबेर साखानी नाम से ऐसी गंदी गंदी गालियाँ इन्होंने जो भी है वो उसने दिया है। और उसमें जो है तो मेरा नंबर, मेरा एड्रेस, गुलाब पार्क, ये सब उसने मेंशन किया है। ऐसा ये एक नहीं है, ये बहुत सारे कमेंट्स उनको शिंदे साहब को किया है। अच्छा, क्या लगता है तुमको कौन हो सकता है ये बंदा, क्या अंदाजा है ये? क्योंकि तुम्हारे दोनों नंबर छोड़ रहा है वो और तुम्हारा ही पर्टिकुलर नाम यूज कर रहा है, यानी कि तुम्हारी जानकारी रखने वाला कोई आदमी है ऐसा लगता है इस पर से। ऐसा मतलब अभी जब इतना सब कुछ जानता है तो कोई आपस का ही होगा, लेकिन कौन है वो मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे तुम कि ये तमाम जो सिलसिला चल रहा है तो ये क्या है और किस लिए किया जा रहा है और लोगों से क्या अपील करोगे? और तमाम जिन लोगों को तुम्हारे नाम से गाली दी गई है, जिन लोगों को धार्मिक भावनाएं भी लोगों की दुखाई गई है, ऐसे लोगों से क्या कहना चाहोगे, क्या उनसे कहोगे? मैं यही बोलूँगा कि मतलब लोगों से, लोगों का बहुत दिल दुखा है, लोगों को परेशानी भी हुई है, लेकिन मैं खुद अपना 24 अप्रैल से मैं खुद परेशान हो रहा हूँ और बहुत हरेसमेंट हुआ है। और कल तो मुझे जब प्रहार टाइम्स का मैंने न्यूज़ देखा तो मुझे और ज़्यादा दुख हुआ कि मैं सब मतलब लीगली, और मैंने रीदा राशिद जी के जो कार्यकर्ता जो आए थे
पुलिस स्टेशन में, तो उनको मैंने जाके अपने पूरे पेपर्स दिखाया था, सिकंदर खान से बात हुई थी। मैंने उनको अपना नंबर दिया था कि अगर कुछ मेरी ऐसा ज़रूरत पड़ती है तो मैं पुलिस स्टेशन में आऊँगा, स्टेटमेंट भी दूंगा। और ये मेरा सारा पेपर्स जो मैंने कहाँ कहाँ पर अर्जी दिया हो, कहाँ कहाँ पर कंप्लेंट दिया हो, मेरी FIR हुई 8 तारीख को, सब मैंने बता कर आया। उसके बावजूद भी न्यूज़ पे उन्होंने जो है तो ये बताया है कि गुलाब पार्क के पास रहता है जुबैर साकानी, गुलाब पार्क के पास मैं रहता हूँ, जुबैर साकानी ओरिजिनल जुबैर साकानी मैं रहता हूँ। तो इस तरीके से मेरी और मेरे वालिद साहब की पूरे मतलब शहर में बदनामी हो रही है, खानदान में बदनामी हो रही है। तो ये मतलब जो हुआ गलत हुआ, और ये होने से ये हुआ कि जो डुप्लीकेट जुबैर साकानी, जो फेक आईडी मेरा नाम से जो लोगों को गाली दे रहा था, वो उसने अपनी सारी एक्टिव अपनी जो आईडी थी डीएक्टिवेट कर दी सारी, और मतलब वो अलर्ट हो गया एक हिसाब से कि ये मामला, हाँ खबर मिल गई कि FIR भी हो चुका है, तो वो उसने सब अपनी आईडी डिलीट कर दी है। इससे मुझे काफ़ी मतलब मेरा केस जो था वो मैं अंदर ही अंदर मेरी कार्रवाई चल रही थी, मतलब शो में नहीं था, मैं अपना कार्रवाई कर पुलिस की चालू थी। हाँ। बट ये है कि पूरा सोशल मीडिया पर ये न्यूज आने से जो फेक आईडी जो थी वो अलर्ट हो गया, उसने सब डीएक्टिवेट कर दिया। बहरहाल साइबर सेल अपने तरीके से काम करेगा उस पर, लेकिन एक बात बताओ जुबैर, ये अप्रैल से अभी तक का सिलसिला चल रहा है, बड़े सब्र के साथ में, बड़े शांति के साथ में तुमने पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो किया, और एंड मौके पर आकर के जो है जहाँ मतलब पुलिस का भी आप लोगों का कहना था कि हम लगभग पहुंच चुके हैं, अच्छा खासा काम कर चुके हैं, और ऐसे में अब ये काम खराब हो गया, तो कैसी सावधानी बरतनी चाहिए, कैसी खबरदारी बरतनी चाहिए लोगों को कि इस तरीके से अगर फेक आईडी का यूज हो रहा है तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जो है सब्र शांति और चुप रह करके काम करना बहुत जरूरी है, जरूरी। तो क्या कहोगे लोगों को इस बारे में? यही क्या है, पहली बात तो किसी को अपना वाईफाई वगैरह है, अपनी कोई आईडी पासवर्ड वगैरह किसी को कुछ देना नहीं चाहिए, और अगर कभी किसी के साथ ऐसा ये जैसा मेरे साथ हो रहा है इससे रिलेटेड या ऐसा कुछ भी होता है सोशल मीडिया पर, तो उससे सबसे पहले उसकी अपना जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो उसमें उसकी इतला दे दी जाए, अर्जी दे दी जाए या उसकी कंप्लेंट दे दी जाए। तो उसके बाद में एक बहुत दिन से मुमरा के हर ग्रुप्स में, और जैसा आपका न्यूज़ चैनल है प्रहार टाइम्स है और थाने के भी कुछ न्यूज़ चैनल से, तो उसमें एंजल एमन करके एक सोशल मीडिया पे बहुत फेसबुक पर वायरल हो रही है एक फ़ोटो जो मेरे पिताजी की है, ये चोर है, ये ऐसा है, ये चरसी है, नशा करता है, तो ये सब ये फेक आईडी वाला कर रहा है। बहुत अब्बा का भी उसने बहुत बदनामी किया है, बट हम लोगों ने इतना सबर किया कि हम लोग ये चाहते कि ये कौन है, हम लोग भी इसको देखना चाहते कि इससे मिले तो सही कौन है और हमने इसका क्या बिगाड़ा। तो हमने बहुत सबर से इसीलिए काम लिया था कि हमको ये जो आरोप कर रहा है वो आरोपी हमारे हाथ में लगे। अच्छा, अब ये काम तो कुछ हद तक बिगड़ चुका है, तो ऐसे में पुलिस और साइबर सेल से क्या अपील करोगे कि इसका रिजल्ट निकाला जाए, उसके लिए क्या कहोगे? पुलिस और साइबर सेल तो अपना काम कर ही रहे हैं रफीक भाई, और वो लोग मुझे कॉपरेट भी कर रहे हैं, मुमरा पुलिस स्टेशन से भी मुझे पूरा कॉपरेशन मिल रहा है और कर रहे, मतलब वो लोग अपना काम। तो अब ये काम बिगड़ चुका है, जैसे कल उसने अपनी आईडीज डीएक्टिवेट कर दिया जो फेक आईडीज बनाया था। हाँ। तो इस पर मामला खत्म न हो, असल आरोपी पकड़ा जाए, इसके लिए क्या कहोगे पुलिस विभाग और साइबर सेल से? पुलिस विभाग से मैं यही कहूँगा सर के अभी जैसा वो उनका काम है वो बेहतर जानते हैं, मेरे को तो उसमें उतना नॉलेज भी नहीं है। नहीं, काम तुम्हें नहीं करना है, लेकिन वो काम मुकम्मल होना चाहिए, तो इसके लिए उनसे अपील क्या करूँगा? उनसे अपील यही करूँगा कि सर जो ये जितना मुझे भी जो 24 अप्रैल से जितनी परेशानी हुई है सर, मैं अपना काम वगैरह सब छोड़ के मैं यही चीज़ में लगा हुआ, कम से कम आज 1-1.5 महीने से तो मैं यही चीज़ में लगा हुआ हूँ, तो ये जो भी इसमें जो इसके ऊपर जो धारा लगती है, अगर ये जब आरोपी हाथ में आता है तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई पूरी तरीके से हो, और इस पर जो धारा लगती है जो आरोप इसने किया है उसको कड़ी से कड़ी इसको सज़ा मिले।